हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम गए थे वेकेशन पे गोवा, और कुछ दिन से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा ब्रेक पे गया था चैनल से। और हम अभी गोवा से रिटर्न आ गए हैं, और पूना नागपुर हाईवे पे रांजनगांव और अगर के बीच में ये हमें एक फार्म मिला है, चीकू का फार्म, और यहीं पे है रेस्टोरेंट और जगह है। ये देखिए, फ़ोटोशूट के लिए भी यहाँ पे एक स्कूटर रखा हुआ है, झूला है, साइकिल है, मतलब ब्रेक लेने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। आयांश की मस्ती चालू हो गई है, और हमारा मूड हो गया है कि यहाँ से खाना खा के ही जाने का। मैं गोवा में भी व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि छुट्टी पे आए हैं तो पूरी छुट्टी मना लेते हैं। नो मोबाइल्स एंड नो कॉल्स। आर यू कुड़ी जल्ला? बहुत बढ़िया जगह है, आप भी एक बार आइए और ट्राई करिए। ये यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे चूल्हे बनाए हुए हैं। कशा साठी लावले थे? हुरडा भाज्या साठी। जो अपना चना रहता है, हरा चना, वो मतलब भूंजने के लिए ये जगह जगह यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मैं आपको इनका किचन दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे हाइजीन का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा हुआ है, और सब बहुत ही साफ सुथरा बनाया हुआ है, और जो पूरा खाना बनता है वो पूरा चूल्हे पे बनता है। तो आप भी एक बार आइए और ट्राई करिए। गोवा में भी हमने बहुत एंजॉय किया, गोवा में भी बहुत इच्छा हो रही थी कि व्लॉग बनाने की इच्छा हो रही थी। तो फाइनली इस टूर में एक व्लॉग बन ही गया। ये देखिए चिक्कू, लेकिन ये पेड़ पे नहीं पकते, जब इनको हम तोड़ते हैं तो कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद गर्मी से ये पकते हैं। तो कुछ ही देर में हमारा ऑर्डर लगने वाला है, मैं आपको इनसे मिलाना चाहूँगा, ये इस जगह के ओनर है। काका, आपने नाम क्या? शिवाजी फलके। शिवाजी फलके जी, और पूरा अभी अपन मराठी में ही करेंगे। हाँ। तर काका, आपले नाव काय? शिवाजी फलके। हो, आणि हे किती दिवसापासून आहे हॉटेल? हे हॉटेलला 5 वर्ष झाले। हॉटेलला 5 वर्ष झाले, आणि हे चिकूची बाग? चिकूची बागेला 30 वर्ष। अच्छा, आणखी काही सांगू शकता तुम्ही याच्याबद्दल? काय, आता इथे हुरडा पार्टी असतं माझ्याकडं। अच्छा। हुरडा पार्टी दिवसभराचं पॅकेज असतं, त्यात नाश्ता असतो, जेवण असतं, दही चटणी, चहा, असं 550 रुपये पॅकेज असतं। अच्छा, जे मी तिकडे दाखवले ते तिथे म्हणजे हुरडा पार्टी होते। इकडे आंब्याची बाग आहे फिरायला, सीताफळाची बाग आहे। समजा असं दिवसभर थांबलं, नाश्ता झाला, हुरडा झाला, फिरायला इथं वरती जातो।
तो ऐसा है ये प्लेस, तो आप भी आइए और ज़रूर यहाँ पे रुकिए और स्टिक। और अभी हम खाना टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है खाना। बहुत ही बढ़िया खाना था, बहुत ही ज़ोरदार खाना था और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना, 150 रुपये थाली में अनलिमिटेड खाना था, और वो भी मतलब बिना मसाले का और एकदम टेस्टी खाना महाराष्ट्रीयन स्टाइल में। और जो शिवाजी अंकल हुड्डा पार्टी, वो ये जला के इस पे जो चना रहता है अपना हरा चना वो इसके ऊपर भूनते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो भैया ये चीकू के पेड़ हमारे हाथ के पास चीकू है यहाँ पे। ए मोगली, मम्मी हाँ थाम थाम, नहीं पड़त नहीं माजे झालं। तो अभी हम निकल रहे हैं नागपुर के लिए और बहुत दिन के बाद ब्लॉग डाला है, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है बोलने में, कुछ सूझ नहीं रहा था बोलने में, तो जैसा भी था जैसा भी है और जो भी है ऐसा ही है आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नागपुर में। ओके बाय।